एसएफआई द्वारा विभिन्न मांगों व समस्याओं पर चर्चा करने के उद्देश्य से शनिवार को शिमला में एक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कालीबाड़ी हॉल में आयोजित इस एक दिवसीय अधिवेशन में विशेष तौर पर एससीए चुनाव की बहाली की मांग को लेकर रणनीति तैयार की गई। शिमला के कालीबाड़ी हॉल में शनिवार को एसएफआई राज्य कमेटी का अधिवेशन आयोजित किया गया। अधिवेशन में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एससीए चुनाव न होने पर चर्चा की। गौरतलब है कि 5 साल से एससीए चुनाव नहीं करवाए गए हैं, जिसके चलते छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस अधिवेशन में सभी जिलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष विक्रम कायत ने बताया कि अधिवेशन में एससीए चुनावों के तहत आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि छात्रों के पास अपनी मांगों के लिए एससीए ही एकमात्र मंच है और 5 साल से एससीए चुनाव नहीं करवाए गए हैं। प्रदेश सरकार छात्रों की मांगों को अनसुना कर रही है, इसलिए छात्र संघ चुनाव की घोषणा जल्द होनी जरूरी है, जिससे छात्रों की मांगों को मंच मिल सके। सर देखिए, आज हमारा कालीबाड़ी हॉल के अंदर जो है राज्य अधिवेशन है। इस अधिवेशन के अंदर हम एससीए चुनाव जो लगातार पिछले 5 सालों से बैन हुए हैं, उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम लोग जो है एक आंदोलन तैयार करने की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। आज जो है सबसे पहले हमारा इसमें इनॉग्रेशन हुआ, हमारे भूतपूर्व राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा जी ने किया। उसके बाद हमारे राज्य के सचिव ने एक रिपोर्ट रखी है, जिसमें जो है ये बताया गया कि एससीए चुनाव जब से प्रतिबंधित हुए हैं तब से लेकर आज तक 5 सालों में छात्रों के सामने क्या समस्याएं आई है। और उसके बाद जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्स थी, अलग अलग ज़िलों के जो लोग थे, उन तमाम ज़िलों के स्टूडेंट्स जो हमारे पास आए थे, उन लोगों के अलग अलग ग्रुप्स में बनाकर हम लोगों ने उनकी ग्रुप डिस्कशन करवाई है। और उसके बाद उनकी जो है रिपोर्टिंग आगे होगी। उसके बाद हम लोग जो है इस कन्वेंशन के अंदर से आगामी जो हमारा आंदोलन होगा उसकी रणनीति हम यहाँ से तैयार करें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।